नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय विधायक खरीदने की बजाय कोरोना से लड़ाई में अपने पैसे खर्च करे बीजेपी। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि इस संकट के समय सबसे अमीर पार्टी बीजेपी को अपने पैसों का इस्तेमाल एमपी, कर्नाटक व गोवा विधायक खरीदने की बजाय कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में करना चाहिए। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 12,380 हो गई है, वहीं मौतों का आंकड़ा 414 हो गया है। शुक्र है इस बार दिया जलाने या बर्तन पीटने को नहीं कहा पीएम के संबोधन पर शिवसेना। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बयानबाजी को बताते हुए कहा, शुक्र है उन्होंने लोगों को दिया जलाने या बर्तन पीटने जैसा काम करने को नहीं कहा। मनीषा ने कहा, संबोधन में कुछ भी ठोस नहीं था। वहीं एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक के अनुसार पीएम को गरीबों के लिए पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी। गुजरात के कांग्रेस विधायक का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव, सीएम से मुलाकात की खबर। गुजरात के जमालपुर खाड़िया से कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ेवाला का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना वायरस टेस्ट कराने के बाद खेड़ावाला मुख्यमंत्री विजय रूपानी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल से मिलने गए थे। वहीं गुजरात में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 650 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 28 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।